गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैम देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर रैम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रैम का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का फिगर बना हुआ है। ये बेसिकली मेरा 16x4 रैम है। ठीक है, 16x4 में 16 इसका एड्रेस लोकेशन है और 4 इसका क्या है, डाटा बिट। ठीक है, वर्ड बिट। ठीक है, इतना हो गया। तो सिंपली अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये मेरा सिंपली एड्रेस, ये मेरा सिंपली क्या है, 4x16 डिकोडर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 4 एड्रेस लाइन यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा एड्रेस लाइन डिकोडर है, ये मेरा सिंपल सा। ठीक है, अब ये कनेक्टेड है मेरा लोकेशन से। ठीक है, ये मेरा एड्रेस लोकेशन है। देखिए 16x4 रैम है तो 16 एड्रेस लोकेशन होगा, लोकेशन 0, लोकेशन 1, लोकेशन 15। ठीक है, इस डॉट 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 15 तक गया। अब ये मेरा सिंपली क्या है, डाटा इनपुट लाइन। यहाँ डाटा देखिए, हम लोग जब ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे थे तो ब्लॉक डायग्राम में क्या देखे थे कि जो डाटा लाइन था उसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हो या फिर बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हैं, मीन्स एक ही डाटा लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग सेपरेट डाटा लाइन यूज़ किए। ठीक है, तो ये मेरा जो ऊपर से हम लोग दे रहे हैं D3, D2, D1, D0, 4 डाटा लाइन डेटा इनपुट है। ठीक है, तो 4 डाटा इनपुट मेरा इनपुट बफर से कनेक्टेड है। ठीक है, इनपुट बफर से ये कनेक्टेड है, ये मेरा क्या है, इनपुट बफर। ठीक है, ये मेरा सिंपली यहाँ कनेक्टेड है मेमोरी से। ठीक है, अभी मेरा आउटपुट डाटा लाइन भी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, मींस यहाँ से हम लोग इनपुट डाटा को इनपुट करेंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे। यहाँ पे भी मेरा 4-bit आउटपुट डाटा है, D3, D2, D1, D0। ठीक है, ये मेरा इनपुट बफर है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट से होगा। ठीक है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म के लिए करने के लिए हमको राइट ऑपरेशन जो है इसको यहाँ पे 1 करना होगा, बाकी इसको 0 रखना होगा। ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये हमेशा क्या रहेगा, 1। मीन्स कंट्रोल सिग्नल जब जो सेलेक्ट चिप्ट है वो अगर 1 रहेगा तब जाके मेरा जो फंक्शन है वो रीड या राइट ऑपरेशन करेगा। ठीक है, यहाँ एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, बेसिकली यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ किए हैं रीड और राइट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, 2 एंड गेट यूज़ हुआ है, 2 नॉट गेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल अगर 1 नहीं होगा तो मेरा दोनों गेट क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको 0 करेंगे तो ये मेरा तो 0 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 0 प्रोवाइड करेगा, ये भी 0 प्रोवाइड करेगा, तो फिर फर्दर तो आगे वर्क होगा ही नहीं। ठीक है, इनपुट बफर और आउटपुट बफर क्या होता है, ये इनपुट बफर जो होता है वो डाटा लाइन को जो मेरा मेमोरीज है उससे वो क्या करेगा, कनेक्ट करता है। डाटा इनपुट लाइन को इनपुट बफर मेमोरी से कनेक्ट करेगा और डाटा आउटपुट लाइन को आउटपुट बफर मेमोरी से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके ऑपरेशन का तो सिंपल से इसका ऑपरेशन है, सबसे पहले अगर हम राइट ऑपरेशन का बात करें तो जो सेलेक्ट चिप्ट है वो उसको हम क्या करना होगा, इसको हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, और राइट ऑपरेशन के लिए हम देखिए कोई भी ऑपरेशन हो, सेलेक्ट चिप जो चिप सेलेक्ट होता है वो हमेशा 1 रहना चाहिए। राइट ऑपरेशन का अगर हम बात करें तो इसको हम राइट ऑपरेशन पे 1 करेंगे और उस टाइम रीड ऑपरेशन क्या रहेगा, मेरा 0 रहेगा। ठीक है, अब सेलेक्ट चिप मेरा 1 है, मींस दोनों पे एक एक इनपुट 1 गया, रीड ऑपरेशन मेरा एक यहाँ पे है, मान लीजिए इसको तो हम 0 दे दिए। अब ये जो 0 है रीड यहाँ पे कनेक्टेड है नॉट गेट से, इसको यहाँ पे 1 मिल गया और रीड पे यहाँ 1 और चिप सेलेक्ट 1 है। ठीक है, अभी इसको हम 1 दे रहे हैं तो गेट 2 पे मेरा जो राइट इनपुट है वो मेरा 0 हो गया, मींस यहाँ पे 2 0 हो गया, यहाँ पे ऑल हाई हो गया। इट मींस ये क्या देगा, हाई सिग्नल देगा और ये मेरा लो सिग्नल देगा। ठीक है, अब ये हाई देगा तो इट मींस ये यहाँ से कनेक्टेड है, इनपुट बफर पे कनेक्टेड है। दैट मींस अब मेरा ये क्या करेगा, डाटा इनपुट लाइन मेरा हाई हो जाएगा। इट मींस जो भी हम डाटा इंटर करवाना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम डाटा 1000 इंटर करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब एड्रेस लाइन मान लीजिए हम सेलेक्ट किए कि एड्रेस लाइन 10 पे हम 1000 डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो देखिए मेरा एड्रेस लाइन ये क्या हो गया, 10 एड्रेस लाइन है। तो ये जो मेरा एड्रेस बिट है, एड्रेस लाइन मींस 10 हम बोल रहे हैं तो 1010 एड्रेस लाइन देंगे। तो यहाँ अगर लोकेशन कहीं भी मान लीजिए ये लोकेशन 10 है तो इस जगह मेरा डाटा बिट हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे D1 को 1 देंगे, ये 000 डाटा देंगे, तो इस लोकेशन 10 पे क्या करेगा, ये डाटा को स्टोर कर देगा 1000। ठीक है, सिमिलरली अगर हम
राइट ऑपरेशन के, ये मेरा ओवरऑल हो गया राइट ऑपरेशन के। अगर हम सिमिलरली रीड ऑपरेशन का बात करें तो रीड ऑपरेशन भी सिमिलरली वैसे ही वर्क करेगा। इस पर हमको सेलेक्ट चिप जो है उसको वन करेंगे और राइट ऑपरेशन को ज़ीरो, रीड ऑपरेशन को क्या करेंगे वन करेंगे। अब रीड ऑपरेशन को वन करेंगे तो इसका एक इनपुट वन हो गया, सेलेक्ट चिप जो है वो मेरा वन है, ठीक है। अब राइट ऑपरेशन को यहाँ ज़ीरो दिए हैं तो ये यहाँ वन आ जाएगा और इसको वन दिए तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इस टाइम में मेरा गेट टू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और गेट वन ज़ीरो हो जाएगा। गेट वन ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब मेरा कनेक्शन जो इनपुट बफर आउटपुट बफर से मेरा क्या करेगा, और डाटा आउटपुट लाइन मेमोरी से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस टाइम में मेरा डाटा आउटपुट लाइन वर्क करेगा, डाटा इनपुट लाइन यहाँ वर्क नहीं करेगा। अब देखिए डाटा आउटपुट लाइन वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो लोकेशन, मान लीजिए हम लोकेशन लोकेशन 12 का डाटा रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 12 एड्रेस लाइन देंगे तो ये लोकेशन, मान लीजिए यहाँ पे कहीं लोकेशन 12 है, उसको ये क्या करेगा, वहाँ जो भी डाटा स्टोर्ड है वहाँ से जाके ये डाटा आउटपुट लाइन रीड करेगा। मान लीजिए कि अगर लोकेशन 12 में हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो डाटा है 10 स्टोर है, 1010 4 बिट स्टोर है, तो मेरा डाटा आउटपुट क्या देगा, 1010 ये हमको आउटपुट पे देगा, ठीक है। तो ओवरऑल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो रैम का है ये इस टाइप से परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसका हम लोग थ्योरी जस्ट पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फिगर शोज़ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 16x4 रैम। देयर आर 16 मेमोरी लोकेशन, ठीक है। हम लोग देखें 16 मेमोरी लोकेशन है 0 to 15। फॉर दिस देयर आर 4 एड्रेस लाइन। सिंपल से बात है, अगर 16 एड्रेस मेमोरी लोकेशन है तो 0 to 15 होगा, और अब इसके लिए मेरा कितना होगा, 4 एड्रेस लाइन होगा। फॉर्मूला ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके, 2, ठीक है, 2 raised to the power a इज इक्वल्स टू m। ये मेरा मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन पे हमको एड्रेस लाइन कितना चाहिए, तो ये मेमोरी लोकेशन मेरा 16 गिवन है, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिए कि 4 एड्रेस लाइन होगा, ठीक है। ईच लोकेशन स्टोर मेरा कितना बिट स्टोर करेगा, 4 बिट। इनपुट एंड आउटपुट बफर आर यूज, ठीक है। वहाँ पे इनपुट और आउटपुट बफर अभी हम लोग देखे वो क्यों यूज हुआ है, टू कनेक्ट डाटा लाइन टू मेमोरी, ठीक है। आउट इनपुट बफर किसके लिए हुआ है, इनपुट डाटा लाइन के लिए। आउटपुट बफर किसके लिए हुआ, आउटपुट डाटा लाइन के लिए, ठीक है, जो मेरा कनेक्ट कर रहा है मेमोरी से। हियर यूनी डायरेक्शनल सेपरेट डाटा इनपुट एंड डाटा लाइन आर यूज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूनी डायरेक्शनल यूज़ किया, अगर बाई डायरेक्शनल यूज़ करते तो एक ही इनपुट से हम लोग एक ही डाटा लाइन से हम लोग आउटपुट भी लेते और इनपुट भी देते, ठीक है। अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज़ यूज फॉर कंट्रोल इनपुट, ठीक है। हम लोग देखें दो एंड गेट और दो नॉट गेट यूज़ करके हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ किए जो मेरा रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। कंट्रोल इनपुट मेरा क्या था, रीड राइट इनपुट था और एक चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट क्या था मेरा, उसको हम हाई रखेंगे, इनेबल रखेंगे, तभी मेरा रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर ऑपरेशन का बात करें, ठीक है, ऑपरेशन राइट ऑपरेशन के लिए क्या करना है, टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो CS था उसको हमको क्या करना था, वन, ठीक है। अदरवाइज आउटपुट ऑफ बोथ एंड गेट एंड गेट टू क्या हो जाएगा, मेरा लो हो जाएगा। इसलिए हमको चिप सेलेक्ट जो था उसको हमेशा वन रखना है, ठीक है। अब फॉर राइट ऑपरेशन W इज इक्वल्स टू वन रखे थे, ठीक है, अभी हम लोग देखे थोड़ा देर पहले, ठीक है। दिस मेक्स आउटपुट ऑफ गेट वन हाई एंड आउटपुट ऑफ गेट लो, देयरफॉर इनपुट बफर आर इनेबल व्हाइल आउटपुट बफर आर डिसेबल, ठीक है। राइट ऑपरेशन से मेरा गेट वन कनेक्टेड था डायरेक्टली और गेट टू मेरा रीड ऑपरेशन से था, ठीक है। यहाँ देखिए सिंपल सा था, यहीं पे हम बताए थे जो राइट ऑपरेशन में अगर वन देंगे तो ये इनपुट वन देगा और ये वाला जो गेट टू रहेगा वो ज़ीरो देगा, तो ये मेरा इनपुट बफर को इनेबल करेगा, इनपुट बफर इनेबल होगा तो डाटा लाइन को कनेक्ट कर देगा मेरा मेमोरी से, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ देखिए, फॉर राइट ऑपरेशन W इज इक्वल टू वन, दिस मेक्स आउटपुट ऑफ गेट वन हाई एंड द आउटपुट ऑफ गेट टू लो, देयरफॉर इनपुट बफर आर इनेबल व्हाइल आउटपुट बफर आर डिसेबल, ठीक है। इफ़ डाटा बिट टू बी स्टोर, अगर जो भी डाटा बिट स्टोर करना है 100, देन D3, D2, D1, D0 इज इक्वल टू 100 इज टू बी स्टोर एट लोकेशन, अगर 10 लोकेशन में स्टोर करना है तो हमको एड्रेस लाइन को क्या करना होगा, 1011,
ठीक है, अभी जस्ट हम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अब इससे क्या पता चला है कि दस द डाटा बिट आर इंटर वाया इनपुट बफर लाइन एंड स्टोर एट लोकेशन 10 एंड राइट ऑपरेशन इज़ परफॉर्म, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को अगर मान लीजिए कोई भी डाटा को इनपुट करवाना है डाटा लाइन से रीडिंग सॉरी राइटिंग ऑपरेशन के लिए, तो सिंपली हमको क्या करना है, ये इसको वन करना है, ये वन होगा तो ये जो गेट वन वन हो जाएगा और ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। चिप सेलेक्ट को हमेशा वन रखना है, तो ये सिंपली इसको इनेबल करेगा, ये अगर इनपुट बफर इनेबल होगा तो डाटा इनपुट लाइन मेरा कनेक्ट हो जाएगा मेमोरी से, ठीक है। हमको कोई भी डाटा स्टोर करना मीन्स अब यहाँ राइटिंग ऑपरेशन है, हम चाहते हैं कि मेमोरी मीन्स मेमोरी लोकेशन 5 पे हम 15 डाटा स्टोर करें, ठीक है। मीन्स 15 क्या होता है, 1111, तो हमको इनपुट लाइन पे क्या देना है, D11 हो जाएगा, D21 हो जाएगा, D11 हो जाएगा, D01 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि नहीं हमको लोकेशन 5 में ये डाटा को स्टोर करना है, तो यहाँ कहीं लोकेशन 5 होगा, ठीक है, लोकेशन 5, ठीक है। लोकेशन 5 के लिए अब एड्रेस लाइन लोकेशन 5 पे कैसे जाएगा, तो ये लोकेशन 5 के लिए क्या होना होगा एड्रेस लाइन को, 0101, ठीक है। अगर ये रहेगा एड्रेस लाइन तब मेरा जाके डाटा यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1111 मेरा डाटा स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग राइटिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। फॉर रीडिंग ऑपरेशन आर इज इक्वल्स टू 1 दिस मेक्स आउटपुट ऑफ G2 हाई, ठीक है। मीन्स अब हम लोग रीडिंग ऑपरेशन के लिए आर को 1 रखेंगे, जिससे मेरा अब यहाँ पे गेट 2 जो है वो मेरा हाई हो जाएगा और आउटपुट ऑफ गेट 1 क्या हो जाएगा, मेरा लो हो जाएगा। दिस मेक्स इनपुट बफर, अब यहाँ इनपुट बफर डिसेबल हो जाएगा और आउटपुट बफर इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही आउटपुट बफर इनेबल हो जाएगा तो डाटा आउटपुट लाइन को वो क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा मेरा मेमोरी से, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, सिंपली सा एक एग्जांपल है, इफ़ द इंफॉर्मेशन स्टोर एट लोकेशन 12, अगर लोकेशन 12 पे स्टोर करना चाह रहे टू बी रीड, मीन्स जो भी डाटा मेरा लोकेशन 12 पे स्टोर है उसको हम रीड करना चाह रहे, तो मेरा एड्रेस लोकेशन लाइन जो है, एड्रेस लोकेशन बस और लाइन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 1100, ठीक है। इस लोकेशन पे हमको काम करना, तो एड्रेस लाइन क्या जाएगा, 1100, एंड 4-bit वर्ड स्टोर्ड एट द लोकेशन 12 विल बी, अब जो भी मेरा लोकेशन 12 पे कोई भी मेरा बिट अगर स्टोर होगा, मान लीजिए वहाँ पे मेरा 5-bit स्टोर्ड है लोकेशन 12 पे, तो वो सिंपली ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटपुट बफर एस D3 D2 D1 D0। सपोज़ लोकेशन 12 पे मेरा 5-bit स्टोर है, ठीक है, 5-word bit, ठीक है, तो ये 5 जो है वो मेरा क्या है, 0101, ठीक है, ये है। तो सिंपली मेरा जो आउटपुट बफर लाइन जो मेरा कनेक्टेड है डाटा आउटपुट लाइन से, तो ये हमको सिंपली क्या आउटपुट देगा, 0101, ठीक है। इस तरह से क्या होगा मेरा, दिस इज़ हाउ रीड ऑपरेशन इज़ परफॉर्म, ठीक है। तो ये सिंपली सा मेरा रैम का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन था कि रैम मेरा पर्टिकुलर कैसे वो परफॉर्म करता है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।